गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर प्रोनाउंस। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट एट पीपल और थिंग दैट आर नियर और फार फ्रॉम अस और टू इंट्रोड्यूस पीपल। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। अगर मान लो कोई चीज़ पास में है तो हम यूज़ करेंगे दिस या दीज, दिस या दीज, सिंगुलर प्लूरल। ओके, अगर कोई चीज़ दूर है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, दैट या दोज, सिंगुलर प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो दिस और दैट, और अगर प्लूरल है तो दीज दोज। ओके, फॉर एग्जाम्पल दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे हैं। हाउ मच आर दोज, वो कितने के हैं। ये बहुत महंगे हैं, वो कितने के हैं। दूर की चीज़ दोस, पास की चीज़ दीस। दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरी, ये मेरा भाई है। ये भाई मतलब साथ में खड़ा है, पास में खड़ा है। दैट इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो बहन थोड़ी दूर खड़ी है, वो मेरी बहन है। सो दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ आफ्टर दैट देर इज़ एन एक्सरसाइज, लेट्स डू इट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना है जो सही लगे। डैश इज मिस अहाना जैन, शी इज़ योर न्यू क्लास टीचर, सेट द प्रिंसिपल। सो अहाना जैन साइड में खड़ी है, आपको लिखना है दिस इज मिस अहाना जैन, दिस इज, ये मिस अहाना जैन है, ये आपकी नई क्लास टीचर है, प्रिंसिपल ने कहा। दिस इज, लुक एट डैश, एक्सक्लेम द बॉय पॉइंटिंग एट द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार है, सिंगल है, शूटिंग स्टार पास में तो होगा नहीं, दूर ही होगा, तो क्या लिखेंगे, लुक एट दैट, लुक एट दैट, एक्सक्लेम द बॉय पॉइंटिंग एट द शूटिंग स्टार। डैश इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम, सम एक ही है, इज लगा हुआ है, तो क्या आएगा, दिस इज सम। हम कॉपी में बैठ के रखेंगे, दूर से थोड़ी ना हम कोई मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, इसलिए दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम। फोर्थ वन, आई कैन सॉल्व डैश इजीली, सेट द गर्ल। आई कैन सॉल्व, देखो इसमें कुछ भी आ सकता है, आई कैन सॉल्व दिस लिख दो, आई कैन सॉल्व दिस इजीली, सेट द गर्ल, मैं इसे आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। आई लाइक डैश बट आई वुड लाइक टू लुक एट डैश टू, द वंस यू हैव एट द एंड, सेट द कस्टमर। I like these, I like these, but I would like to look at those two. मुझे ये अच्छे लगे पर मैं वो भी देखना चाहता हूँ, the ones you have at the end, जो आखिर में वहाँ पड़े हुए हैं, आखिर में पड़े हुए हैं तो वो दूर होंगे, तो look at those ही होगा, तो ये मुझे पसंद है, तो ये क्या कहेंगे, these, I like these, but I would like to look at those, okay? Now next one is distributive pronoun, are used to refer to the people or thing taken one at a time, they always take a singular verb. Distributive pronoun कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे single, एक person के लिए denote करते हैं, each, either, neither, ठीक है, ये हमारे कौन से word हैं, distributive pronoun. For example, either will do, सिलेक्ट एनी वन ऑफ टू बुक्स, वो कहते हैं कि दोनों में से कोई एक बुक चूज़ कर लो, दोनों में से कोई भी काम कर जाएगा, आइदर ऑफ देम, आइदर मतलब कोई भी एक, ईच ऑफ देम डिजर्व अ रिवॉर्ड, हर एक को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं, एक एक को कर सकते हैं या किसी एक के साथ, हाँ किसी एक को भी कर सकते हैं, किसी एक को दे दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये लो, और बाकियों को दिया ही नहीं, ठीक है, या हम किसी को भी ना दे, दैट इज नाइदर। ईच के केस में क्या होगा, हमने सबको दिया, आइदर के केस में किसी एक को दिया, और हमने किसी को नहीं दिया तो नाइदर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, समझ रहे हो। आपके पास अगर आप सपोज करो आपके सामने दो बच्चे हैं, आपको उन्हें कैंडी देनी है, अगर आपने दोनों को दिया तो दैट इज ईच, You given the candy to each one of them, दोनों को दिया है। अगर आपने किसी एक को दिया है तो that is either case, either of them, किसी एक को दे दिया आपने।
अगर आपने दोनों को नहीं दिया है तो देट इज़ नाइदर नाइदर ऑफ देम. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ करना है. फर्स्ट वन, सूजन एक्सक्लेम्ड, ओह नो, डैश ऑफ माई ओल्ड ड्रेसेज हैव फ्रेड. डैश ऑफ माई ओल्ड ड्रेस हैज फ्रेड. लिखो, ईच ऑफ माई ओल्ड ड्रेस हैव फ्रेड. मेरे सारे ड्रेस खराब हो गए हैं. ईच. डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन. सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. लाइक नाइदर, कोई भी स्टूडेंट डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. एंड यू कैन से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट वन, डैश ऑफ देम हैड डन द मिसचीफ. आइदर ऑफ देम हैज डन द मिस्टेक. मिसचीफ, तुम में से किसी एक ने शरारत की है. आइदर ऑफ देम हैज डन द मिसचीफ. फोर्थ वन, डैश ऑफ दिस डॉक्टर सीम्स एफिशिएंट इनफ टू हैंडल द पेशेंट दे आर अटेंडिंग टू. आइदर ऑफ दिस डॉक्टर्स सीम एफिशिएंट इनफ टू हैंडल दिस पेशेंट दे आर अटेंडिंग टू. दोनों ही डॉक्टर एफिशिएंट लग रहे हैं, अपने पेशेंट संभाल लेंगे. इट अपीयर्स दैट डैश ऑफ यू हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पार्ट. इट अपीयर्स दैट नाइदर ऑफ यू हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पार्ट. तुम में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है. सिक्स वन, डैश ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ द एबिलिटी टू कैरी इट ऑफ. आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ द एबिलिटी टू कैरी ऑफ. डैश ऑफ दिस चैप्टर हैज़ एन एक्सरसाइज एट द एंड. ईच ऑफ दिस चैप्टर हैज़ एन एक्सरसाइज एट द एंड. हर चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज है. डैश ऑफ द टूरिस्ट हैड अ टॉर्च. ईच ऑफ द टूरिस्ट हैज हैड अ टॉर्च. सभी टूरिस्ट के पास टॉर्च थी. नाइन्थ वन, डैश ऑफ द बुक्स वॉज हेल्पफुल. ईच ऑफ द बुक्स वॉज हेल्पफुल. या आप नाइदर ऑफ द बुक्स वॉज हेल्पफुल, कोई भी बुक अच्छी नहीं थी, ये भी बोल सकते हो. आई लाइक बोथ द ड्रेसेज बट आई विल बाय वन. आई कैन बाय आइदर ऑफ द टू. आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय बोथ. तो मुझे दोनों ड्रेस अच्छी लगी पर मैं एक ही खरीद सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे इतने हैं. तो हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? नाइदर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एक तो लेना ही हमें. ईच नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं. सो हम क्या यूज़ करेंगे? आइदर. आई कैन बाय आइदर ऑफ टू. सो दैट वॉज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. वी विल कंटिन्यू द अवर चैप्टर विद द इंडेफिनेट प्रोनाउन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.